नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से पूरी सावधानी के साथ में लास्ट एंड तक देखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में आप सभी को एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज देना है। आपको किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है वो बात इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और उसी के साथ में ADA मैटिक इथेरियम के बारे में एक ज़बरदस्त पावरफुल अपडेट देने वाला हूँ, और साथ में एक कॉइन के ऊपर आपको नज़र रखनी है, उसके अंदर एक पंप आ सकता है, उसका रीजन भी बताने वाला हूं। कुल मिलाकर यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे आपकी मर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और मैं आपको अब 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव को लेकर, बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट ट्रेड को लेकर। देखिए यहां पर फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि इस जोन को देखिए, इस जोन के अंदर ऊपर का लेवल है $24,300 का और नीचे का लेवल है $23,700 का। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जोन से बिटकॉइन की प्राइस बार बार बहुत ज्यादा नीचे आई है। अब प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस इसी जोन के अंदर चल रही है, तो फ्रेंड्स यहां से बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है। तो पहली बात, कब बिटकॉइन की प्राइस इस जोन से बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है, याद रहे आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दो कैंडल देखनी है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आगे आने वाले दिनों के अंदर दो कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है, यह लेवल है $23,700 का, तो फ्रेंड्स डेफिनेट आप लिख लीजिएगा कि बिटकॉइन की प्राइस अपने को इस जोन के अंदर देखने को मिलने वाली है, और इस जोन के अंदर नीचे का लेवल है $22,400 का, ऊपर का लेवल है $22,600 का। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स जब बिटकॉइन की प्राइस इस तरह से नीचे आ रही है तो देखिए 50 EMA का ब्रेकडाउन कर रही है, और 50 EMA का ब्रेकडाउन करने के बाद में एक और डंप आया है, आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर इसका सपोर्ट नहीं बनाएगा तो यहां पर आपको एक वीक जरूर देखने को मिलेगी। तो यहां पर दूसरी बात फ्रेंड्स, हमारे को यहां पर एंट्री लेनी है, और यही एंट्री सबसे ज्यादा सेफ एंट्री होने वाली है, हमारे को इस जोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। तीसरी बड़ी बात कि हमने आपको यहां पर यह बोला था इस वीक के स्टार्टिंग में ही कि यहां पर यह जो वीकली कैंडल देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी बियरिश देखने को मिल रही है, और मैंने आपको बताया था कि यहां पर बिटकॉइन की प्राइस अपने को $23,200 से लेकर $23,700 के बीच में देखने को मिल सकती है, और हमारे को इसके अंदर एंट्री लेनी है, मतलब लेनी है। और फ्रेंड्स मैंने यहां पर टारगेट लगा रखा था $23,700 के आसपास, और मेरा ऑर्डर लग चुका है, आपका भी ऑर्डर लग चुका होगा, आप जाकर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $24,000 के आसपास, तो फ्रेंड्स इस लेवल के आसपास आपने जो भी एंट्री मारी है उस एंट्री का 40% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए फ्यूचर्स के अंदर, साथ ही में स्पॉट के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, 60% जो बचा है, यानी कि हमारा ऑर्डर लग चुका है, इस 60% पोजीशन को आपको होल्ड रखना है। अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां से ऊपर जाती है तो बहुत बढ़िया बात, यह 60% हमारे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर देगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो आपको इस 60% पोजीशन को क्लोज करना है। इस लेवल से अगर बिटकॉइन की प्राइस ने 1 डे के टाइम फ्रेम पर 1 कैंडल क्लोजिंग दी ऐसी स्थिति में, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ट्रेड कब लेनी है बिटकॉइन के अंदर वो भी समझ लीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको एक एरिया बताया है, दूसरा एरिया मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिटकॉइन की प्राइस को सबसे पहले $25,000 से ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद में ही मैं आपको ट्रेड बताऊंगा, और अगर अर्जेंट में बताना पड़ा तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर बताऊंगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको यहां पर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। और फ्रेंड्स अब अगर बात करें ADA कॉइन की, तो देखिए ADA कॉइन के अंदर एक जबरदस्त पंप आया है, और मैंने आपको एंट्री लेने के लिए बोला भी था, उसका प्रूफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। अगर बात करें ADA कॉइन को लेकर, ADA कॉइन की प्राइस मुझे तो लग रहा है इस तरह से वापस से जो चल रही है, तो अगर आपको ADA कॉइन की प्राइस देखने को मिले 0.5343, तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा ADA कॉइन का प्रूफ, और इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ एक दिन पहले ही बताया है, और इस कैंडल के बाद में मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर ADA कॉइन की प्राइस वापस से इस जोन के अंदर देखने को मिल सकती है, और इस लेवल के आसपास देखने को मिले, तो देखिए फ्रेंड्स इसी लेवल के आसपास ADA की प्राइस देखने को मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर ADA को पकड़ा होगा, और प्रेजेंट टाइम पर ADA के अंदर एक अच्छा खासा पंप भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे बड़ी बात
यह है कि आपको जो भी यहां पर आपने एंट्री मारी थी उसका 30% प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। 70% पोजीशन को आप अभी भी होल्ड रख सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एडी की प्राइस ऊपर जा सकती है। अब अगर आप पूछते हैं कि एंट्री कब ले, तो फ्रेंड्स इसका अपडेट अभी इस वीडियो के अंदर नहीं दूंगा, टेलीग्राम के अंदर ही दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बात करें मैटिक कॉइन की, तो मैटिक कॉइन के अंदर हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको यह अपडेट दिया था कि यहां पर अगर इस लेवल से ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम पर दो कैंडल क्लोज हो, तो ऐसे में इस लेवल के ऊपर ही हम मैटिक के अंदर लॉन्ग की ट्रेड लेंगे और यह लेवल है 0.95 यूएसडीटी का। फ्रेंड्स इस कैंडल के अंदर मैंने आपको यह बात बताई थी और देखिए यह कैंडल भी इस लेवल से नीचे क्लोज हुई है और इसके बाद की जो कैंडल की मैंने बात करी थी फ्रेंड्स, उसमें जो पहली कैंडल है वो इस लेवल से नीचे क्लोज हुई है, उसी के साथ फ्रेंड्स इस जोन से भी नीचे क्लोज हुई है और उसी के साथ फ्रेंड्स अब हमारे को एक और यहां पर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स अब यहां पर बन चुकी है कंफ्यूजन की स्थिति, ट्रैप की स्थिति, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यह जोन बहुत बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था मैटिक के लिए, तो फ्रेंड्स अब हमारे को थोड़े फायदे के लिए बड़ा लॉस बिल्कुल भी नहीं कराना है। देखिए अगर मैटिक की प्राइस यहां से नीचे आती है तो यहां पर एंट्री बनेगी और यह जोन आता है नीचे का लेवल है 0.83 का, ऊपर का लेवल है 0.85 का। तो अब मान लीजिए यहां से मैटिक की प्राइस नीचे नहीं आती है, ऊपर जाती है, तो फ्रेंड्स अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसके बारे में समय के साथ में अपडेट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैटिक से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। मान लीजिए यहां से पंप आता भी है तो फ्रेंड्स आपको फोमो नहीं करना है और आप यह ना बोलेंगे कि आपने मना कर दिया था, हमने तो एंट्री नहीं मारी। मेरे भाई मैं जो कुछ देख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेड कब लूंगा वही चीज आपको मैं बता रहा हूं। बात करें इथेरियम को लेकर, तो एक सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इथेरियम के अंदर आपको इस जगह बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है और इसका सबसे बड़ा रीजन है यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग। फ्रेंड्स अगर आप इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो इन दोनों कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो $1900 से नीचे क्लोजिंग दी है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। देखिए इसके अंदर सिर्फ दो ही ट्रेड बनेगी और जिसके अंदर पहली ट्रेड बनेगी फ्रेंड्स इस जोन के अंदर, इस जोन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, नीचे का लेवल है यहां पर 1700 USDT का, उसी के साथ में ऊपर का लेवल है 1750 USDT का। फ्रेंड्स आपको यहां पर इथेरियम देखने को मिले तो यहां पर आप लॉन्ग की ट्रेड इथेरियम के अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर इथेरियम की प्राइस के अंदर पंप आता है तो फ्रेंड्स यहां पर $2000 से ऊपर ही इथेरियम के अंदर ट्रेड बनेगी लॉन्ग की, और फ्रेंड्स वो कब बनेगी वो बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन वहां तक प्राइस को जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है, आगे आपकी मर्जी। अगर बात करें आज के नए कॉइन को लेकर, तो उसका नाम है गाला कॉइन, जो हो सकता है आप सभी के पोर्टफोलियो के अंदर हो, और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर पंप आ सकता है और पंप आ सकता है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसके अंदर अभी तक इस तरह से इस असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इसी ट्रेंड लाइन से, यानी कि आप ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, यहां से गाला की प्राइस बार बार ऊपर देखने को मिली थी और जब नीचे आ गई तो देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है जो आप यहां पर देख सकते हैं और ये लेवल है 0.07029 यूएसडीटी का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में गाला, तो फ्रेंड्स यहां पर गाला बुलिश देखने को मिल सकता है और आपको गाला की प्राइस इन लेवल तक देखने को मिल सकती है। यहां पर दो ट्रेड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली ट्रेड यह है कि फ्रेंड्स यहां पर एक ब्रेकआउट आने से पहले यहां पर गाला के अंदर एक डंप आ सकता है और आपको प्राइस देखने को मिल सकती है 0.06411 के आसपास और इससे थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको गाला को पकड़ना है। देखिए उसके बाद में गाला की प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकती है। अब देखिए मान लीजिए यहां से प्राइस ऊपर जाती है, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स इस लेवल को टेस्ट करने के बाद में इस लेवल से वापस से नीचे आएगी और फ्रेंड्स यहां कहीं हम गाला को पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये गाला का अपडेट था और आप इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर लगी है और आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, वो मेहनत आपके काम में आ रही है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी एक अच्छा प्रॉफिट हो सके, उन्हें भी अपना पता चल सके कि हम जो यहां पर बता रहे हैं वो और लोगों से कितना अलग बता रहे हैं। और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।